नागपुर के मानेवाड़ा बेसा रोड स्थित कोष्ठी टेस्टी नाम की दुकान की जगह को लेकर दोनों पार्टी आमने सामने आ गई है। हुड़केश्वर पुलिस आगे की जांच कर रही है। नागपुर मानेवाड़ा बेसा रोड पर परिवर्तन चौक में शुभम धार्मिक इनकी सब्जी की दुकान है। पिछले 6 महीने से शुभम इन्होंने कोष्ठी टेस्टी नाम की दुकान शुरू करने के लिए शेड डाला था, लेकिन कोरोना महामारी से प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कोष्ठी टेस्टी दुकान शुरू नहीं की गई। लॉकडाउन में शिथिलता मिलते ही कोष्ठी टेस्टी दुकान शुरू करने का मन बनाए शुभम धार्मिक को तब झटका लगा जब सुभाष महादेव गड़े नामक व्यक्ति ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कोष्ठी टेस्टी दुकान के लॉक तोड़ दिए, जिसकी भनक लगते ही शुभम धार्मिक अपने वकील के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इस घटना के बारे में BCN समक्ष जानकारी दी। सर मला न्याय पाहिजे, माझ्या दुकानात चोरी झालेली आहे। कोष्ठी टेस्टी या नावाने माझी दुकान आहे। हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनचे PI आहे माननीय श्री भोसले साहेब यांना सपोर्ट करत आहे गडे साहेबांना। हे माझ्या अवैध रीतीने जागेला खाली करून मागून राहिलेले आहे। मी याची शिकायत पोलीस निरीक्षक साहेबांना पण केलेली आहे, गृह मंत्रालय साहेबांना पण केलेली आहे। सर मला न्याय पाहिजे, बस बाकी काही नाही। माझं मी गरीब माणूस आहो, बस फक्त मला न्याय पाहिजे। प्रशासन फक्त मला न्याय मिळून द्यावं असं मला वाटते। मिली जानकारी के अनुसार शुभम गड़े इन्होंने पानदान की जगह फर्जी दस्तावेज बनाकर इस जगह का पोजीशन लेना चाहते हैं, जो कि कानून के नियमों के खिलाफ है। ऐसी जानकारी फिरियादी शुभम धार्मिक के अधिवक्ता मंगेश पाटिल इन्होंने BCN समक्ष दी है। सर हमारा यह कहना है कि हमारे जो क्लाइंट है शुभम धार्मिक, इनका वो जगह पे 15 साल से ताबा है और वो जो सुभाष गड़े नाम का व्यक्ति है पुलिस स्टेशन से मिली भगत करके वो वहाँ पे इलीगल तरीके से ताबा लेने का कोशिश कर रहा है। तो हमारी यही इच्छा है कि हमारे जो क्लाइंट है शुभम धार्मिक, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और इसकी हमने पहले भी कंप्लेंट की है, CP को की है, DCP को की है और गृह मंत्री साहब को भी हमने कंप्लेंट की है कि ये बारे में पूरी चौकसी करके हमारे जो क्लाइंट है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो वही इस जगह को लेकर अपना मालिकाना हक बताते हुए सुभाष कड़े इन्होंने जानकारी दी। अतिरिक्त जागर की प्लाट की मानेवाड़ा रोड से जो अपन देसा को जाते हैं वहाँ पे रोड मेरा प्लाट है और वहाँ पे 1999 से मेरे पास कब्जा पत्र है और उसके बाद मैंने 2016 में रजिस्ट्री पर मारा है और कॉरपोरेशन का टैक्स भी भर रहा हूँ मैं। सभी चीज़ें मेरे पास रहने के बाद भी वहाँ पे किसी अनोड़ की व्यक्ति ने अवैध बांधकाम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अवैध बांधकाम जो किया है वो वहाँ से हट के मेरे को न्याय मिलना चाहिए और मेरा प्लाट मुझे मिलना चाहिए। और मेरे पास पूरे कागजात हैं, जो कागजात होना चाहिए सभी सरकारी नियम वाले जो कागज होना चाहिए वो सब पूरे कागज है मेरे पास। रजिस्ट्री पन है, सोसाइटी का NOC पन है, सब है मेरे पास। सर इसकी शिकायत मैंने हुड़केश्वर पुलिस थाने में की, कॉरपोरेशन में भी लेटर दिया है मैंने, राजमाने साहब को भी मैंने लेटर दिया। आए दिन दोनों पार्टियां अब अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। अब ये मैटर कोर्ट में गया है, कानून क्या न्याय देती है इस और सभी की निगाहें लगी हुई है। संजय मिरे, BCN न्यूज़, नागपुर।